कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी ज्यादा कर दी भाजपा ने, तो इसलिए हम दीपेंद्र हुड्डा सरकार चाहते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की सरकार रहेगी पूरे हरियाणा में और 70 सीट क्या भाव पार होगा? बनवारी लाल ने क्या किया है? किसी एक भी स्टूडेंट का स्टाइपेंड डाले बनवारी लाल ने? पाएंगे जी, अगर बनवारी लाल जी यहाँ से टिकट लेके आते तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि बनवारी लाल जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे। रेवाड़ी के बावल में आज दीपेंद्र हुड्डा बावल में पहुँच रहे हैं और हरियाणा मांगे हिसाब या कांग्रेस मांगे हिसाब इस तरीके लेके यात्रा आज बावल में पहुंच गए दीपेंद्र हुड्डा। और मेरे पीछे देख सकते हैं जन सलाब जिस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। अरे कौन आ रहा है आज? दीपेंद्र हुड्डा जी क्या कहेंगे बावल में किस तरीके का हिसाब किताब है? एक तरफा। क्यों? नेता इतने अच्छे हैं वो। आप युवा हो, किस तरीके देखते हो सरकार को बीजेपी और कांग्रेस? सरकार को बेरोजगारी ज्यादा कर दी भाजपा ने, तो इसलिए हम दीपेंद्र हुड्डा सरकार चाहते हैं कांग्रेस के। क्यों चाहते हो कांग्रेस? काम करते हैं बहुत अच्छा रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। क्या नाम है? सतीश कुमार। नारे क्या कहेंगे दीपेंद्र हुड्डा रहे, किस तरह की सरकार रहेगी आपकी बात? कांग्रेस की सरकार रहेगी पूरे हरियाणा में और 70 सीट क्या भाव पार होगा? पूरे मजदूर युग इसके साथ है, कांग्रेस के पार्टी के साथ। कांग्रेस के साथ क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने काफी काम किया है। क्या काम किया बीजेपी ने? एक काम गिना दो मुझे, कोई भी एक काम। मजदूरों कैसे हालत हो रही है यहाँ? मैं मजदूर यूनियन का प्रधान हूँ रेवाड़ी का। ऐसी हालत हो रही है मजदूरों को, तर तर ठोकरे खा रहे हैं मजदूर। डॉक्टर बनवारी लाल कह रहे हैं कि माहौल बहुत विकास किया। बनवारी लाल ने क्या किया है? किसी एक भी स्टूडेंट का स्टाइपेंड डाला बनवारी लाल ने? एक भी स्टूडेंट का अगर डाला हो तो बता दो, एक भी किसी भी स्टूडेंट का स्टाइपेंड नहीं डाला अब तक। और भी हम से बात करें। क्या नाम है? शेर सिंह। क्या कहेंगे आपके बाहर कैसी सरकार रहने वाली? हम कहेंगे उसका जो युवाओं का, सबसे पहला तो युवाओं का कुछ भी नहीं हो रहा रोजगार के लिए, और न ही कोई किसान के लिए, न ही मजदूर के लिए। मतलब कहते हैं काम कब करते हैं? आपके क्षेत्र में आदि बनवारी ने काम, बोलो बनवारी ने काफी काम किया है क्षेत्र में जी। यहाँ तो क्या है, गांव से पूछ कर देखो, गांव में जाकर देखो, कैके का युवा लगे, कहीं में एक लगे, कहीं दो लगे, लगे ही नहीं युवा। युवा भी है और पोस्टर भी अपना दिखा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। किससे कहना चाहेंगे? ठीक है, जो काम करेगा उसी के देंगे। बीजेपी ने काम नहीं किया? बीजेपी ने काम नहीं किया, इस काम सभी ने किया है, लेकिन चेंजिंग होना चाहिए। ये सभी जो यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं, आखिर वो क्या कहेंगे? महिला भी है, महिलाओं से भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये यहाँ देख रहे हो, ये एक महोत्सव से कम नहीं है। मतलब लोगों में दीपेंद्र जी की इतनी लोकप्रियता है कि दीपेंद्र जी का नाम सुन के आज बावल में पहली बार आप लोगों को कांग्रेस के प्रति इतना लगाव, इतना झुकाव नजर आ रहा है। और ये भीड़ सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी को देखने के लिए यहाँ आई है। जो हमारी ये यात्रा है, इसका इतना अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर आपके बनवारी लाल से यहाँ से टक्कर ले पाएंगे जी, अगर बनवारी लाल जी यहाँ से टिकट लेके आते तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि बनवारी लाल जी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे कहीं कोई स्टैंड नहीं रखते। आप भी टिकट की दौड़ में, लगता है आपको टिकट मिलेगी जी? मुझ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़ा आशीर्वाद है, उनका हाथ मेरे सिर पे है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझ में अपनी आस्था जताएंगे और मैं हमेशा पार्टी के साथ रहूंगी।